ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे टीम में हार्दिक पंड्या और केएल राहुल की जगह विजय शंकर, शुभमन गिल की एंट्री। 19 वर्षीय गिल को पहली बार सीमित ओवरों की भारतीय टीम में जगह दी गई है। विजय शंकर पिछले साल हुई निदाहास ट्रॉफी में टीम इंडिया का हिस्सा थे। हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे पर गई भारत ए की ओर से उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। शुभमन गिल ने फर्स्ट क्लास सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। वरिष्ठ चयन समिति ने निलंबित क्रिकेटरों हार्दिक पंड्या और केएल राहुल की जगह ऑलराउंडर विजय शंकर और बल्लेबाज शुभमन गिल को भेजने का फैसला किया है। केएल राहुल और हार्दिक पंड्या को एक टीवी शो पर लिंगभेदी टिप्पणियों के चलते निलंबित किया गया है। दोनों खिलाड़ी जल्द भारत लौटेंगे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है। विजय शंकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच से पहले टीम से जुड़ जाएंगे। वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के अलावा न्यूजीलैंड जाने वाले वनडे टीम का भी हिस्सा रहेंगे। शुभमन गिल को न्यूजीलैंड में होने वाली वनडे और टीबी सीरीज के लिए टीम में रखा गया है। 19 वर्षीय गिल को पहली बार सीमित ओवरों की भारतीय टीम में जगह दी गई है। उन्होंने प्रथम श्रेणी सत्र में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9 मैचों में 1000 सेकंड ज्यादा रन बनाए थे। रणजी ट्रॉफी में भी शुभमन का शानदार प्रदर्शन जारी रहा, जहां उन्होंने 98.75 के बेहतरीन औसत से 10 पारियों में 790 रन ठोक दिए। गिल ने कुछ दिन पहले द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में 2019 के लिए अपने लक्ष्य का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, 2018 मेरे लिए अच्छा साल रहा और कई चीजें सीखने को मिली। 2019 में मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूँ, वही मेरा प्रमुख लक्ष्य है। दूसरी तरफ विजय शंकर पिछले साल हुई निदाहास ट्रॉफी में टीम इंडिया का हिस्सा थे। हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे पर गई भारत ए की ओर से उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। 27 वर्षीय शंकर तमिलनाडु से आने वाले मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, जो मीडियम पेस से गेंदबाजी भी करते हैं। उन्होंने अब तक 5 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद तूफानी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने पहले एक दिवसीय मैच में भारत को 34 रन से हराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000वीं जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम रिचर्डसन 26 रन पर 4 विकेट की धारदार गेंदबाजी के सामने रोहित शर्मा 133 के 22वें शतक के बावजूद 9 विकेट पर 254 रन ही बना।